वेलकम बैक टू मज़ाकरा। उन्होंने अपने फैन की कितनी कदर है, उन्होंने मेरी अखा चखा पा के वेलकम टू बैक मज़ाकरा। तुसी पूरी गल नहीं समझे। हाँ, उन्होंने कहा वेलकम बैक टू होम। पहले तो आपने दिलों पे कब्जा किया, आज शो पे भी कर। सर जो मर्जी कहे, मुझे आज मैं नजर आ गई, मैं फैन हूँ इतना इनका। अच्छा, अल्लाह नजरे सब से बचाए आपको। मैं यार बता रहा हूँ कि फैन जो फैनशिप होती है ऐसी होती है। एक दिन आप रिकॉर्डिंग पे जा रही थी, सुबह को 10:30 बजे का वक्त था। अच्छा, सिग्नल पे रुकी है, एक भीख मांगने वाला आया, आपने यूं उसको 100 का नोट दिया, उसने 100 का नोट पकड़ के गाड़ी के अंदर 5,000 फेंका और भाग गया। कौन था? कौन था? आप नहीं थे। उन्होंने मुंह देख के तो 5,000 का नोट सोचे है। नहीं, आप नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी अचीवमेंट है, चाहे वो जिंदगी में है, इंडस्ट्री में है, जो अपने आप को दाद देती है? कोमल के यार, वेल डन कोमल, वेल डन। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में आना, काम करना आसान नहीं है। नहीं है आसान, इस तरह से नहीं है कि आपको जब मिल भी रहा होता है उसको हैंडल करना, और जब नहीं भी मिल रहा होता उसको भी हैंडल करना। वाह। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक मुझे लगता है कि मैं ठीक जा रही हूँ, आगे का पता नहीं। अरे मैं तो आज कोमल जी की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, क्या बात, जब वो बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि चाइना दी सब्जी गल्लां कर रही है। शाह फां मिर्च मिर्चा कट पाई, ऑन कट पाई। तो कोमल ये कोमल सी तेरी बोली। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कोमल सोमालिया का शाहरुख खान है। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत खूबसूरत प्यारे हैं, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। एक छोटा सा और खूबसूरत सा शेर मैं आपको बताऊंगा। आप फैन नहीं हैं? बताऊंगा, मैं दसना, उन्होंने व्हाट्सएप कर देना। मैंने तो सुना है आपने इनके नाम का टैटू बनवा रखा है। हाँ, वो हाँ। आई थिंक ये कोमल के से होता है। ए सारे कोमल नहीं, ये डॉक्टर ने लिखे सी नॉर्मल, इन्हें वेलकम लिख लिया सी, मिट गया है। कोमल क्या, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए बड़े यहाँ पे बाजू पे, बाजू पे। मैं सी से ऑटोग्राफ दूंगी, आपने सी से कोमल। अरे शेरा पेन लाया जाए सी से आज के बाद। हाँ शेरा देख लो। ओए ओए मामन जी, हो शेरा, ए शेरा पेन ले गया है या पेन शेरे नो? जी हो शेरा, विक्टर तो खलो के कहना सी चार भरा वा। ਵੱਡੀ ਚੌਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੁਗਤੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜੋਕਸ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਣਤਾ ਹੂੰ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜੂ ਪੇ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर राशन की एक पर्ची भी बना दो ना। मैंने एक बार अपनी बात है ना, सप वाला टैटू बनाया। अच्छा, सप 2 घंटे बाद मर गया। क्यों? मेरी बात तो बने है। मैडम ये आपकी खूबसूरती पे एक छोटा सा केर है। अरे फिर उसके बाद गिर गया सोने का भाव भी, एक शाम उसने कान से झुमका उतारा था। थैंक यू, थैंक यू। फिर उसके बाद गिर गया सोने का भाव भी,
एक शाम उसने कान से झुमका उतारा था, मोहब्बत में करो ना कभी पछतावा, लोरदा पावा अख्तर लावा। मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूं जो मेरी नहीं सुनते, जो एक दूसरे की बात का पर्दा नहीं रखते। ममूली सी नाराजगी पे दोस्तों के राज दूसरों को बता देते हैं, ये इंतहाई छोटी आदत है। अगर कोई आपसे नाराज होकर अपनी तरबियत का सबूत देता है तो आप अपनी आला जर्फी का सबूत दें और अपनी तरबियत का बताए उसे। दोस्तों में कभी तकरार हो तो, ये शेर लिखा है मैडम, दोस्तों में कभी तकरार हो तो गैर के सामने बयां ना करो, राज तो दोस्त की अमानत है, इंतकामन इन्हें अयान करो, दोस्त तो दोस्त का वसीला है, मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है। चल पे आई हो, चल पे हुआ, चल पे आई हो। मैं कहता हूं कि गुस्से में भी दोस्त की बात किसी को मत बताया करो, हो जाती है नाराजगी, बल्कि किसी किसी वक्त ऐसा भी होता है कि बंदा अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता, लेकिन दोस्त के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करो और रफा दफा करें। आप रफा करें, मैं दफा करता हूं। साडे ना तुसी रफा भी हो तो दफा भी हो। ये आखिरी शेर है मैडम, इख्तलाफ इस तरह करो यारो, ठीक है, इख्तलाफ इस तरह करो यारो, जिंदगी भर ना पशेमान रहो, खत्म हो जाए अगर तल्लुक भी, तुम पे लाजिम है कि राजदान रहो। वाह यार, छोड़ दो ये गुस्सा ये अना, तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना, कोमल जी, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में तो अच्छा ही ख्याल है। जितना लोग आपको पसंद करते हैं, यकतरफा मोहब्बत का तो शिकार होती होंगी आप, कैसे टैकल करती हैं इसको? नहीं, इतना मसला नहीं होता। क्या करती हैं? होते ही नहीं किसी को एकतरफा मोहब्बत मुझसे। ऐसा हो नहीं सकता, या शायद मुझे पता नहीं है। कोमल, कोई बचपन की मोहब्बत याद हो आपको या हुई हो? हुई थी, बहुत जोर से। है? फिर नहीं हुई। हुई थी? अरे यार बड़ी, ये तो बड़ी लॉयल बात है। वाह, बहुत से प्रोजेक्ट्स बने, लोगों ने बनाए, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने कोमल मीर को कोमल मीर बनाया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से जो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था वो इस बादशाह बेगम। बादशाह बेगम, क्या बात, बादशाह बेगम बड़ा अच्छा ड्रामा है। क्या बात। कौन है ऐसी अदाकारा इस वक्त, चलते हुए वक्त में, जो आपको लगता है कि यार बड़ा अच्छा इजाफा है, ये नई लड़की बड़ी अच्छी आ रही है? नई लड़कियों में तो काफ़ी आ रही हैं, बट आई लव सहर।